बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। इस बार अपने बयान में जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी को लेकर जोरदार प्रहार किया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में सरकार गठबंधन की बन गई तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में चला जाएगा। जीतन राम मांझी जिस तरीके से इन दिनों ताबड़तोड़ बयान दे रहे हैं, मांझी के बयान पर बवाल मचा है। इस बीच एक बार फिर से इंडी अलायंस पर प्रहार कर जीतन राम मांझी सुर्खियों में आ गए हैं। राहुल गांधी यहाँ कश्मीर में बोले हैं कि अगर हमें मौका मिलेगा तो यूनियन टेरिटरी हटा के फिर से स्टेट फूड मतलब यहाँ पर रिस्टोर किया जाएगा। देखिए, जब तक हाथ में सत्ता नहीं आती है तब तक बहुत तरह की बात लोक लुभावन बात करते हैं कि जनता उनके कहने में आ जाए। और आज राहुल जी क्यों बात करते हैं, जब 60 वर्ष तक उन्हीं की सरकार थी, कई एक राज में उन्हीं की सरकार है, तो क्या इस प्रकार की बात या इस प्रकार का सिद्धांत को पार्लियामेंट में या और कहीं भी ला करके रख सकते थे? लेकिन वैसा न कह करके जब चुनाव है कश्मीर में तो चुनाव में कश्मीर के लोगों को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। हम समझते हैं वो कुछ नहीं करेंगे, वो 370 धारा को पुनः वहाँ लागू करना चाहते हैं। उन लोग ऐसे लोग हैं कि पाकिस्तान परस्ती लोगों के साथ हाथ मिलाया है, और अगर खुदा नखास्ते जैसा होने वाला नहीं है, लेकिन अगर उन लोगों की गठबंधन की सरकार आ गई तो कश्मीर हमारा पाकिस्तान में चला जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और उसके प्रतिपादक राहुल गांधी जी हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि योगी जी को भाजपा का नाम बदल के भारतीय योगी पार्टी। अभी तो उनकी अपनी बात है इसके बारे में। बंगाल में सर कानून बनने वाले के बलात्कारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। बनने वाला नहीं है, बन गया है। बन गया है कि जो बलात्कार के उपरांत मर गई है बच्ची, उसके एक्यूज को फांसी दिया जाए, और जो बलात्कार किया है उसको आजीवन सजा दिया जाए। मैं समझता हूँ ये देर से उठाया हूँ उनका सही कदम है, ये शुरू में ही उनको उठाना चाहिए। जो उन्होंने नाटक किया सड़क पर उतरने का और दूसरे को जो ब्लेम किया, ये न कहकर के यही कानून बनाना चाहिए, और सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर उनको लेनी चाहिए थी कि उनके राज में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, हमारी बेटियां वहां सुरक्षित नहीं है, और आज ऐसा करके थोड़ा मरहम उन्होंने लगाया है। जम्मू कश्मीर चुनाव में आपकी पार्टी क्या भूमिका रहेगी? हमारी पार्टी NDA के गठबंधन के अंदर है, NDA का जो डिसीजन है उसके साथ हम लोग रहेंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी न सिर्फ जम्मू कश्मीर और हरियाणा में देखने को मिल रहा, बल्कि बिहार की सियासी माहौल भी गर्माई हुई है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान पर जाहिर सी बात है कि कांग्रेस अब प्रहार करेगी, लेकिन मांझी का बयान थमता दिख नहीं रहा। जीतन राम मांझी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, ये बयान बता रहा कि मांझी सुर्खियां बटोरना चाहते। अब वो कि ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान प्रस्त लोगों से वो लोग हाथ मिला रहे। आशीष गुप्ता, टुडे बिहार न्यूज, गया।